इसमें देखिए एक और बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम है रे ऑप्टिक्स की, जिसमें ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. फाइंड वेलोसिटी ऑफ इट्स इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. ओके, तो इसमें देखिए इसमें जो डेटा हमें दे रखे हैं वो इस तरह से हैं कि ये कॉनकेव मिरर हो गया हमारा और इसकी हमें फोकल लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर मिरर से, मतलब इसके पोल से जो है वो 2 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर, और वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स द मिरर 10 मीटर पर सेकेंड से, ये दिया हुआ है हमें. ओके, और उस इंस्टेंट पे इसकी इमेज की वेलोसिटी बताना है जब ये 20 सेंटीमीटर है यहां से, दिस इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. ओके, अब देखिए एक तो इसमें ये समझ लीजिए कि अगर ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे चल रहा होता इधर, तो इसकी इमेज की वेलोसिटी केवल और केवल एक ही होती जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग होती इधर, राइट. उसमें हम लगाते वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग दिस एक्सिस ओनली, बट यहां क्योंकि ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर ऊपर है तो यहां एक और लेटरल वेलोसिटी होगी इसकी, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के जो मैं अगले वाले हिस्से में दिखाऊंगा. लेकिन सबसे पहले मुझे एक काम करना है कि जब ये 20 सेंटीमीटर पर है तो इसकी इमेज कहां पर होगी, तो इसके लिए मैंने मिरर फॉर्मूला लगा दिया, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f. ओके, और देखिए इसमें v हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू अवर साइन कन्वेंशन, u यहां पे -20 होगा और क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो -30 हो गया. ओके, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, +60 सेंटीमीटर. ओके, तो इसका मतलब है इसकी जो इमेज है वो राइट साइड में बनेगी. ओके, तो इसकी जो इमेज बनेगी स्पेंड वो बनेगी राइट साइड में. और देखिए अब ये स्थिति इसकी, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये एक्चुअली हाइट हो गई ऑब्जेक्ट की एक तरह से 2 सेंटीमीटर के बराबर. इसकी वेलोसिटी हमें दे रखी है, ये वेलोसिटी हो गई ऑब्जेक्ट की एक्स की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, और इसकी जो इमेज है इस टाइम वो यहां पे 60 सेंटीमीटर समवेयर हियर. ये यहां से यहां तक 60 सेंटीमीटर हो गया. ओके, तो ये स्टूडेंट्स मैंने बना दिए यहां से आपकी, और इसके दो कंपोनेंट वेलोसिटी हो जाएंगे. एक कंपोनेंट होगा इसके एक्स एक्स की तरफ वी इमेज एक्स वेलोसिटी दे बराबर होगी वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स डायरेक्शन. ओके, और ये मिरर के रेस्पेक्ट में होगी ये वाली वेलोसिटी भी और ये वाली वेलोसिटी भी. मिरर रेस्ट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो ये वेलोसिटी देखिए क्या निकल के आएगी, वी की वैल्यू मैंने रख दिया 60 और यू जो है -20 और ये 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स राइट साइड ऑफ द ओके एक्सिस. तो इसका मतलब ये हो गया, ये मैं 10 मीटर पर सेकेंड रखूंगा, यूनिट यहां से कट जाएंगी सेंटीमीटर वाली और ये बचेगी आपकी 90 मीटर पर सेकेंड. ओके, अलोंग एक्स डायरेक्शन, दैट मीन्स दिस विल बी एंड दिस इज माइनस. ओके, ठीक है. अब देखिए यहां पे इसका मतलब ये हो गया कि एक वेलोसिटी तो इसकी ये हो गई, इधर कंपोनेंट हो गया इसका, इमेज की वेलोसिटी एक्स की तरफ जो हमने अभी अभी निकाल लिया, और एक वेलोसिटी देखिए अभी इसकी आएगी इधर जो इसके परपेंडिकुलर होगी क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से 2 सेंटीमीटर ऊपर है. तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये वेलोसिटी हमें निकालनी है इमेज की वाई वाला कंपोनेंट. तो इसके लिए देखिए लेटरल मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया,
ये इसकी हाइट है और इसकी हाइट है यहां से यहां तक कितनी इमेज की, एच आई। तो यहां लेटरल मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया, दैट इज हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ओके, और अब देखिए इसको मैंने रीअरेंज किया तो इमेज की जो हाइट है वो बराबर आगे निकल के वी अपॉन यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो कॉन्स्टेंट है लेकिन मतलब ये 2 सेंटीमीटर ये तो ऐसा रहेगी लेकिन u चेंज करेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है और v भी चेंज करेगा करस्पॉन्डिंग, तो h भी चेंज करेगा। इसका मतलब h के चेंज होने से इसकी एक वेलोसिटी होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है मतलब y एक्सिस की तरफ। तो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया t के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t दैट इज डी एच आई ओवर डी टी दिस इक्वल्स टू v और u दोनों वेरिएबल हैं तो इसमें मैंने क्या किया u द डिनोमेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर देन माइनस न्यूमरेटर डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमेटर एंड मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ द एंड डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिनोमेटर। ओके, अब देखिए इसमें ये जो वेलोसिटी हम निकालने जा रहे हैं ये वाली जो वेलोसिटी वो है वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, दैट इज इमेज की जो वेलोसिटी है वो वाई डायरेक्शन में। ठीक है, अब जो इसमें जो डेटा हमें दे रखे हैं देखिए इसमें दिए हुए हैं हमारे यहां तो माइनस से ऐसा रखिए यू कितना है उस टाइम, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर जब यहां से स्टार्ट हुआ था तो ये 20 सेंटीमीटर हमने बना दिया यहां पे। और ये जो वैल्यू डी वी ओवर डी टी ये वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हमने अभी अभी निकाली यहां पर 90, तो दिस इज माइनस 90 एंड देन माइनस वी दैट इज 60 प्लस 60 एंड देन डी यू ओवर डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर है, ये 10 मीटर पर सेकेंड मैंने यहां लगा दिया और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज वी एच ओ वो 2 सेंटीमीटर वो यहां लगा दिया एंड डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द यू स्क्वायर दैट इज 20 स्क्वायर। ओके, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये इसमें निकल के आएगी -6 मीटर पर सेकेंड। आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर कोई मिसिंग है तो मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा। और ये जो डायरेक्शन हमारी आ रही है वो वाई डायरेक्शन मीन्स जे कैप। तो दो कंपोनेंट वेलोसिटी के हमारे हो गए, एक कंपोनेंट ये हो गया जो इसकी इस वेलोसिटी की वजह से आएगा और एक इसकी वजह से आया जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर चल रहा है ये वाला कंपोनेंट। तो रिजल्टेंट जो है इसका ये आ गया निकल के, तो जो मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी इमेज की लिखूंगा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर हो गई वो वेलोसिटी ऑफ इमेज एलोंग एक्स डायरेक्शन एंड प्लस इमेज की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में। ओके, और ये हमारा देखिए अभी निकल के आया है ये माइनस 90 आई कैप एंड माइनस 6 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन पसंद आएंगे और अगर आपको पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।